उसी तरह का मसला मसला शफात है। पहले समझिए कि शफात के मानी क्या है। शफा का लफ्ज अरबी जबान में आता है बुनियादी तौर पर ज़म्मुश्शय इला मिसलेही। इमाम राग़िब इस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके मुफ़रदातुल कुरान निहायत अहम किताब है, फहम कुरान में बहुत मुमित है, बहुत मुआविन है, और अब अच्छा है कि उसका उर्दू तर्जुमा भी शाया हो चुका है, तो जो अरबी से इस्तेफादा न कर सके वो उर्दू से इस्तेफादा कर सकते हैं कि हर शय का जो मादा है उसके असल मानी क्या है, असल मफहूम क्या है। अरबी जबान में वो मादा जो है, वो रूट जो है, वो थ्री लेटर्ड रूट से हर्फी मादा जो है, वो असल में किस मफहूम के लिए इस्तेमाल होता है। तो शफा का मैंने आपको बताया रागिब के हवाले से, जम्मू शय इला मिसले, किसी शय को उसके मिसल के साथ जमा कर देना, जम कर देना, उसके साथ शामिल कर देना। अब मसलन मैं एक दुआ कर रहा हूं, अल्लाह मेरी ये हाजत पूरी फरमा दे, कोई और मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा अजीज, ऐ अल्लाह तू मेरे इस भाई की ये जरूरत पूरी फरमा दे, ये शफाअत है, ये शफाअत। एक दुआ मैं खुद कर रहा हूं और उस दुआ में शामिल कर ली है मेरे किसी भाई ने, अजीज ने, दोस्त ने, बेही खां ने, खैर खां ने, अपनी दुआ उसके साथ शामिल कर, ये शफात। इस शफात से तो हम खूब वाकिफ हैं, अच्छी तरह जानते हैं, इसका कोई मुनकिर नहीं है। अलबत्ता ये कि ऐसी हस्तियों की शफात कि जो हमारे सामने इस तरीके से मादी तौर पर मौजूद नहीं है, आलम गैब में है, गैब का पर्दा हाई हो चुका है, वो अरवाह है औलिया अल्लाह की जो आलम गैब में है, अब मलाइका है जो आलम गैब में है, फिर वो अरवाह जो है अंबिया की है, सुलहा की है, अतकिया की है, औलिया अल्लाह की है, मलाइका है, ये तमाम है। इनसे उस तरह का कोई मामला जो है वो जरा मुख्तलिफ हो जाएगा। लेकिन जो चीज मैंने आपसे अर्ज की मिसाल के तौर पर, शफात का सबसे सादा तसव्वुर कि आप एक दुआ कर रहे हैं, आप एक इस्तदा कर रहे हैं अल्लाह से, और कोई और भी आपकी इस दुआ में आपका साथ दे रहा है, आपके लिए गोया के उसी बात का सवाल अल्लाह से कर रहा है कि जिस बात का सवाल आप कर रहे हैं, तो ये शफात है लफ्जी एतबार से। इसी तरीके से ये लफ्ज सूरह निसा में आया है आयत नंबर 85 में, दुनिया में जो हम एक दूसरे के लिए कुछ सिफारिश करते हैं उसके लिए भी लफ्ज शफात उस कुरान में मुस्तमिल है। आपका कोई भाई है, उसका कोई मसला है, किसी जगह पर कोई जरूरत जो है उसकी कोई शख्स पूरी कर सकता है, आप उसके साथ जाते हैं और गोया के एक तरीके से उसे इत्मीनान दिलाते हैं कि ये शख्स जो है ये काबिल एतमाद शख्स है, ये जो बात कह रहा है मेरे इल्म की हद तक इसके ऊपर आप एतबार कर सकते हैं, इत्मीनान कर सकते हैं। ये चीज भी शफात हो गई इस दुनिया के अंदर, गोया कि आपने किसी की जरूरत में अपने इल्म की बिना पर या अपनी किसी वजाहत की बुनियाद पर कि जो आपको किसी के साथ हासिल है, कोई शख्स है जो आपकी कदर करता है, आपकी इज्जत करता है, उसकी निगाहों में आप एक मोहतमर दर इंसान है, एक आप मोहतमर इंसान है, आप जो बात कह रहे हैं उसके ऊपर वो एतबार कर सकता है, तो आप अपनी इन सलाहियतों को, या ये कि कोई शख्स आपसे मोहब्बत करता है और उसकी बिना पर यह है कि वो आपकी बात एक हद तक, जायज हद तक हो तो वो टालेगा नहीं, तो ये एक शफात है कि जो दुनिया में भी सिफारिश के मानी में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कुरान मजीद में हमें एक उसूल बताया गया, मैं यशफा शफातन हसनतन यकुल लहू नसीब मिन्हा व मैं यशफा शफातन सैयतन यकुल लहू किफलुम मिन्हा। बिल्कुल मंतकी बात है, जो शख्स कोई अच्छी सिफारिश करेगा, अच्छी शफात करेगा, वो अच्छाई के लिए भी हो सकती है, अच्छी बात के लिए हो सकती है, फिर यह कि बिल्कुल उसके अंदर कहीं भी हद एतदाल से तजावुज न हो, कहीं ज्यादती न हो, किसी और की हक तलफी न हो, एक शख्स के लिए कोई खैर हो जाए बगैर इसके कि किसी और की हक तलफी हो रही हो, ये तमाम पहलू ऐसे होंगे कि जिनको हम कहेंगे ये शफात हसना है। इसके लिए आप एक दूसरे के काम जैसे आते हैं, ऐसे ही अगर इस तरीके की सिफारिश आप दुनिया में करते हैं जिनमें झूठ नहीं है, जिसमें कोई किसी की हक तलफी नहीं है, किसी का पर जुल्म नहीं हो रहा है, और वहां पर किसी शख्स का जायज तरीके से काम हो सकता है, वो शख्स जो है उससे वाकिफ नहीं है,
वो जानता नहीं है, आपकी एक वजाहत है उसके यहाँ, आपको वो जानता है और आप अपने इल्म की बुनियाद पर उससे कहते हैं कि मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इस काबिल एतमाद है, मैं इसे जानता हूं। ये शफाअत और सही सही दायरे के अंदर, जैसा कि मैंने अर्ज किया, फिर दोहरा रहा हूं, किसी की हकदल्फी ना हो, किसी पर जुल्म ना हो, बात बिल्कुल सही हो, तो ये शफाअत हसना है जिसकी गोया के एक तरह से ताकीद की जा रही, तरगीब दिलाई जा रही। मैं यशफा शफातन हसनतन यकुन लहू नसीबुम मिन्हा, जिसने कोई अच्छी शफात की, अच्छी सिफारिश की, उसे खुद भी अब उसमें से हिस्सा मिल जाएगा, यानी उसको एक नेकी मिलेगी, अल्लाह ताला उसके इस अमल को पसंद फरमाएगा, अल्लाह ताला उसके इस अमल का उसे अजर व सवाब अता करेगा। वह मैं यशफा शफातन सैयतन, अब वो तमाम शराइत जो है वो अगर पूरी नहीं हो रही है, आप झूठ कह रहे हैं, आप गलत इंसान की जो है तायद कर रहे हैं, आप हकायक को कहीं छुपा रहे हैं, तोड़ मरोड़ रहे हैं, या ये कि आप किसी ऐसी बात के लिए कह रहे हैं कि जिसका उसको हक हासिल नहीं है, जिससे किसी दूसरे की हक तलफी हो रही है, तो ये फरमाया कि मैं यशफा शफातन सैयतन यकुल लहू किफ्लुम मिन्हा, उसमें से अब हिस्सा उसको भी मिल जाएगा कि अगर उसकी वजह से किसी पर कोई जुल्म हुआ है तो उस जुल्म की पादाश जो अल्लाह के यहां होगी उसमें इस शख्स का हिस्सा भी होगा कि जिसने उसके लिए सिफारिश की। तो ये तो लफ्ज़ शफात और शफात के दो मानी के जो मुस्तामल हैं, आम हैं, वाज़े हैं, मंतकी हैं, जिनमें कोई इश्काल नहीं, जिनमें कोई दिक्कत नहीं।